रोल है। बिहार की सियासत की अगर हम बात करते हैं तो बिहार जल रहा है। जाहिर तौर पर दंगे की बात आती है तो सियासत लगातार गर्माती है। ऐसे में 2024 और 25 के मिशन को लेकर भी तमाम सियासी गलियारों में गर्माहट है। हमारे साथ प्रिंस राज हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सांसद भी हैं। प्रिंस राज, सबसे पहला सवाल, बिहार जल रहा है, नालंदा की बात करें और अन्य जिलों की बात करें तो जिस तरह से ये सियासत हो रही है, दंगा हुआ, कई लोग आहत हुए, ऐसे में बीजेपी और इसके विपक्ष में अगर कहें तो आरजेडी और जेडीयू, इसमें लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, प्रिंस राज कैसे लेते हैं? देखिए, ये साफ जिम्मेवारी बिहार सरकार की बनती है। जिस तरीके की ये घटना नालंदा और सासाराम में इस तरीके देखने को मिला तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की बनती है। जहाँ हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री जी, उनका प्रोग्राम, उनका आगमन था, उसके पूर्व इस तरह की हिंसक घटना अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके का माहौल बिहार में हो चुका है और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब युवा सियासत हो रही है, जाहिर तौर पर जो पुराने चेहरे थे, जो बड़े कह सकते हैं सियासत के जो मठाधीश या सियासत के में जो लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए थे, लालू प्रसाद यादव की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तमाम अन्य लोगों की बात करें, लेकिन अब युवाओं की राजनीति है। प्रिंस राज एक युवा है और जिस तरह से युवा की जब राजनीति की बात होती है तो 24 को प्रिंस कैसे देख रहे, क्योंकि सांसद भी हैं और 5 सांसदों के साथ जिस तरह से बीजेपी के सहयोगी दल में है। नवादा से अमित शाह ने कहा कि 90 सीटों पर नज़र, नवादा सहित तमाम सीटों पर नज़र है, कितनी चुनौती है इस बार का लोकसभा चुनाव? देखिए, 2-3 तरीके के लोग होते हैं। एक जवान तो होते हैं शरीर से, लेकिन मानसिक रूप से बुढ़ा जाते हैं। दूसरे शारीरिक रूप से भले ही उम्र दराज हों, लेकिन मानसिक रूप से फिर भी जवान होते हैं। इसी तरीके के हमारे आज के युग के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि यंग एट हार्ट हैं, वो युवाओं को लेके चलते हैं, खुद भी युवा जोश रखते हैं और पूरे देश के लिए, हर वर्ग के लिए, दलित, पिछड़ा, शोषित और जितने भी माइनॉरिटी समुदाय है उनके लिए सोचते हैं। छोटी सी छोटी बातें जो पिछले 75 सालों में नहीं हुई उसको वो साथ लेके चलते हैं, उसको करने में हिम्मत रखते हैं, देश दुनिया में नाम करने की उनमें क्षमता है। रही बात यहाँ की राजनीति की, जो आपने कहा बिहार में जो युवा राजनीति चल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी राजनीति जो है वो प्रदेश को आगे बढ़ाने की नहीं हो रही है। अच्छा, चिराग पासवान अपने पत्ते नहीं, यहाँ पे राजनीति हो रही है कि भाई हम आगे कैसे बढ़ें, हम मुख्यमंत्री कैसे बने, तो हम कैसे यहाँ पे बैठें। यहाँ कोई प्रदेश की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे गठबंधन कर रहा है कि हम मुख्यमंत्री कैसे बने। वहाँ पे वो लोग निर्णय ले रहा है कि हम पल्ला जहाँ भारी होगा हम वहाँ जाएंगे तो हमको ये मिलेगा, हमको वो मिलेगा। सब अपनी अपनी लाभ में लगा है। कोई नहीं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं 24 में प्रधानमंत्री हम बनेंगे, लेकिन 25 का कह रहे हैं कि नेतृत्व हम तेजस्वी को सौंपेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई हमारे पार्टी में कोई लायक आदमी नहीं है जो कि पार्टी को चला सके, दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन देखिए, चिराग पासवान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें ये कहा, जब सवाल किया गया कि क्या आप अपनी जो है रणनीति तय करिए, तो महागठबंधन, आज भी देखिए वो इफ्तार में जो जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव के यहाँ 6 बजे इफ्तार है, वहाँ भी वो जाएंगे, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान ने भी पत्ते नहीं खोले हैं क्या बीजेपी के साथ या महागठबंधन के साथ, आप कैसे लेते हैं? देखिए, वो जाए कहीं भी पार्टी करें, वो तो page 3 फिगर हैं और जहाँ पार्टी होती है वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ भीड़ होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, वो तो उनकी अपनी सोच है। जिस तरीके से बिहार आज के दिन जल रहा है, कई के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, खाने नहीं बन रहे हैं, ये इफ्तार पार्टी रख रहे हैं या दावतें रख रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, वो अलग बात। राघोपुर में भी एक आगजनी के घर, अब देख लीजिए। और इन लोगों को पार्टी करने से, भाई इतना जो खाना बन रहा है, बिरयानी बन रहा है, भाई उनके घर में पहुँचवा दीजिए, है उन बेचारों के घर में पहुँचवा दीजिए, वो लोग पेट भर के खाना तो खा लेंगे रात का। इन लोगों को, इनको देखिए, इनको बस न्यूज़पेपर में बनना है, माहौल बनाना है, आपको प्रधानमंत्री, हमको मुख्यमंत्री बनना है, इसी में ये डीलिंग कर रहे हैं। वो आज पार्टी में जाएंगे, किस तरह की डील होगी नहीं होगी भगवान जाने। और पहले CM के रेस में थे, अब PM के रेस में हैं, हम यही कह सकते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि JDU के तमाम जो सांसद हैं वो BJP का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। देखिए, ये तो होता है, चुनाव जब आते हैं तो हो सकता है दल बदल पार्टी से एक दूसरे को छोड़कर जाते हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि 24 के पहले कुछ सियासी समीकरण बदलेगा? रालोसपा अपने आप को पूरी सुरक्षित महसूस कर रही है? देखिए, रालोसपा को पूरा मान सम्मान इस गठबंधन में मिलता है। अब अगर आप में लालच आ जाए तो वो अलग बात है। आप लालच को कह के नहीं भाई हम तो 20 सीट लेंगे, हम तो 30 सीट लेंगे, ये गलत बात है। हम लोग ईमानदारी से साथ में हैं, ईमानदारी से रहेंगे और ईमानदारी के साथ थे भी। बाकी लोग जो नहीं हैं वो बताएं वो कि क्यों नहीं है, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं,
क्या पल्ला भारी होने का इंतजार कर रहे हैं, पल्ला हल्का होने का इंतजार कर रहे हैं, वो बताएं। लेकिन हम लोग जहां स्थायी रूप से हैं, स्थायी रूप से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। एक अंतिम सवाल होगा कि तेजस्वी भी विपक्ष में एक चेहरे हैं और कहीं ना कहीं सियासत भी विपक्ष को लेकर गर्म, सात दलों की पार्टी है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि युवाओं की राजनीति है, प्रिंस हो, चिराग हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, आगे का भविष्य इन्हीं चेहरों पर है। ऐसे में तेजस्वी को लेकर क्या कहें? नहीं, देखिए, युवाओं का देश है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन सोच कैसी है। देखिए, हम अक्सर ये बात बोलते हैं, नीति तो बनती है पर उसके पीछे नीयत क्या होती है, ये जाहिर करना जरूरी होता है। दिल्ली में जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ, नीति बनाई पर नीयत क्या थी? घोटाला करने की। यहाँ आपने सरकार बनाई, नीति क्या थी? भाई बिहार पे राज करना है, जनता की सेवा करना, ये आपने नीति बनाई, पर इसके पीछे नीयत क्या थी कि भाई हमारा पेट कैसे भरे, इनका पेट कैसे भरे। दो दिन पहले आप गाली दे रहे थे कि भाई ये इनके पिताजी का जंगल राज था, जंगल राज था। दो दिन बाद वो जंगल राज खत्म हो गया, अब ये जंगल राज पार्ट टू देखने को खत्म हो गया। बस बिल्कुल, देखिए आज के दिन युवाओं की बात चलती है, युवाओं का देश है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें लगता है कुछ युवाओं की जो है उनकी नैतिकता खत्म हो गई। अंतिम सवाल प्रिंस जी, अंतिम सवाल ये है कि राजनीति में आपका 24 के मिशन को लेकर किस तरह का ड्राइव रहेगा बिहार के लिए? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से हैं राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं को विस्तार में पूरी लग चुकी है। हम लोग समीक्षा कर रहे हैं अपने संगठन का, हम लोग फेरबदल भी कर रहे हैं। आप देखिए, काफ़ी सारे लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन भी कर रहे हैं, हाजीपुर से सैकड़ों के लोगों ने ज्वाइन किया, यहाँ चंदन जी ने ज्वाइन किया, काफ़ी पुराने पुराने साथी भी वापस आए हैं। देखिए, ये एक जनमानस की सोच आपको बताता है कि 24 में जनमानस क्या चाहता है। तो 24 में जो है कोई वैकेंसी नहीं है और हम लोग NDA का हिस्सा हैं और हम लोग पूरा सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बने। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रिंस राज, सांसद, और उन्होंने साफ कहा कि बिहार की सियासत में अब कहीं ना कहीं स्वार्थ है और स्वार्थ को लेकर राजनीति हो रही है। ऐसे में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आएगा, सियासत में स्वार्थ के साथ साथ सियासत बदलेगी भी और बिगड़ेगी भी, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना है। फिलहाल हम इस तरह की तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। नमस्कार।